आज रिसिया थाने के 8 सिपाही हुए निलंबित। घर में हुई थी शराब पार्टी, इस दौरान आपस में भिड़े 8 सिपाहियों को एसपी ने किया निलंबित। मामले की जांच शुरू। आपको बता दें कि यह घटना 21 सितंबर की रात्रि की है। थाना रिसिया पर तैनात आरक्षी महीप शुक्ला के आवास पर आयोजित पार्टी में शराब पीकर हंगामा करने, आपस में मारपीट करने तथा घटना की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को न देने के फलस्वरूप जनमानस में पुलिस की छवि खराब करने के आरोप में आरक्षी राजेश यादव, अमित यादव, अजय यादव, पंकज यादव, विनोद यादव, पवन यादव, अफजल खान और महेश शुक्ला को निलंबित किया गया है। इसकी जांच अपर पुलिस अधीक्षक नगर को सौंपी गई है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए बहराइच से राजकुमार की खास रिपोर्ट। दिनांक 20/21/2020 की रात्रि में थाना रिसिया पर तैनात एक आरक्षी महेश शुक्ला के आवास पर आयोजित पार्टी में शराब पीकर सिपाहियों द्वारा हंगामा किया गया तथा इस हंगामे की घटना के बाद से आपस में मारपीट भी की गई। इस समूची घटना की सूचना उन लोगों द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को नहीं दी गई। इस आरोप में आरक्षी राजेश यादव, अमित यादव, अजय यादव, पंकज यादव, विनोद यादव, पवन यादव, अफजल खां एवं आरक्षी महेश शुक्ला को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है तथा इसकी जांच अपर पुलिस अधीक्षक नगर को सौंपी गई है।